हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चार्ट पेपर पर स्कर्ट प्लाजो की कटिंग करना बताऊंगी। अगर आप इसको कपड़े पे कटिंग करेंगे तो उसके लेंथ पे निर्भर करता है कि कितना कपड़ा उसमें लगे। जैसे 30 से 32 या 35 इंच का जो प्लाजो की कटिंग करेंगे, स्कर्ट प्लाजो बनाएंगे, तो उसमें जो है 2 से 2.25 मीटर में हो जाएगा। और अगर उसकी लंबाई ज़्यादा रखना हो, जैसे 40 से 42 इंच की लंबाई प्लाजो की रखनी हो, तो उसमें जो है 2.5 से 3 मीटर तक का कपड़ा लग जाएगा इसमें। तो चलिए पेपर पे कटिंग करना पहले सीखते हैं, इसके बाद हम कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक चार्ट पेपर लिया है, अगर आप कपड़े पे कटिंग करें तो इस तरीके से एक परत रहेगा। जब तो आपका 2 या 2.5 मीटर जितना भी कपड़ा हो तो उसको एक बार इस तरीके से डबल फोल्ड कर लें। तो जैसे ये चार्ट पेपर है तो एक परत है, तो इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लें। इतना समझ लीजिए कि कपड़े को हम डबल फोल्ड कर रहे हैं। जो 2 मीटर कपड़ा है उसको डबल फोल्ड कर लिया है। तो इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है। जैसे मैंने चार्ट को डबल फोल्ड किया है, सेम उसी तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह पकड़ना है और इस तरीके से जैसे अम्ब्रेला फ्रॉक के नीचे के घेरे की कटिंग की जाती है, सेम उसी तरीके से इसको भी एक ट्रायंगल जैसा बना लेना है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पे कमर का नाप रखेंगे। जैसे कपड़े पे आप कटिंग करेंगे तो कमर का जितना भी साइज है उसमें 1/4 भाग उसका निकालना है और 4 इंच उसमें लूजिंग ऐड करना है। इसके बाद 1/4 भाग यहाँ पर रख देना है। तो यहाँ पर हम समझने के लिए इस तरीके से देख रहे हैं। यहाँ पे 3.5 इंच का मैं निशान लगा देती हूँ इस तरीके से। अब इसमें आसन का भाग भी इसी में से निकालना है। जैसे इसमें 1/4 भाग 3.5 इंच है तो इसमें 1/2 इंच प्लस कर रहे हैं। और अगर हम इसे कपड़े पे कटिंग करेंगे तो यहाँ पे 1/4 भाग में 2 इंच प्लस करके यहाँ पे रखना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जितना भी कमर है उसका 1/4 भाग निकाल लें और उसमें 2 इंच प्लस करने के बाद ही यहाँ पे रखें। और यहाँ से 1.5 इंच के लगभग अंदर लें इस साइड। और इसको सीधा कर दें। और यही जब आप कपड़े पे कटिंग करेंगे तो यहाँ पे 2 इंच का या 2.5 इंच का आसन के लिए आप निशान लगाइए इस तरीके से, और यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाइए और गोलाई दीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे 1/2 इंच की दूरी रखते हुए मैंने ये निशान दे दिया है, एक समझाने के लिए कि इस तरीके से निशान लगाया जाएगा। यहाँ पे जैसे हम स्कर्ट प्लाजो की कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस साइड से हमें निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम 11 इंच का निशान लगाएंगे। इसी तरीके से हमें निशान लगाते जाना है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद इसको थोड़ा डार्क कर लें अच्छे से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कपड़ा यहाँ पे है नहीं, तो जब भी कपड़े पे कटिंग करें यहाँ पे जो कपड़ा एक्स्ट्रा बचा हो यहाँ पे कटिंग करके लगा देना है। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने बेल्ट को छोड़ते हुए कटिंग की है और यहाँ पे अलग से कपड़ा कट करके बेल्ट को ज्वाइंट करना है। बेल्ट 4 इंच का रखना है। जब उसको डबल फोल्ड करेंगे, रबड़ ऐड करेंगे तो 2 इंच का बचेगा। तो 2 इंच इसमें प्लस कर लेना है, बाकी जो प्लाजो की लेंथ नीचे की साइड जाए उतना कपड़ा ले लेना है। तो इसी तरीके से निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग कर लेनी है।
इधर भी कटिंग करके इसको निकाल देना है। और यहाँ पे जो जॉइंट है इसको भी अलग कर देना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इतना कपड़ा है नहीं, तो जो कपड़े की कटिंग किए रहेंगे उसमें बचा रहेगा एक्स्ट्रा कपड़ा, तो उसमें से इस कपड़े के लिए निकालना है और यहाँ पे जॉइंट कर देना है। तो इस तरीके से इसको निशान लगा लेना है, ऐसे रखते हुए थोड़ा सा बढ़ा के रखना है। यहाँ पे ध्यान दे लें कि कितना कपड़ा लगेगा, तो इस तरीके से रख लें। कट करने के बाद इसको दोनों को अलग कर देना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से स्कर्ट प्लाजो की जो कटिंग होती है, यहाँ पे जो कपड़ा कम रहता है इस तरीके से कटिंग करके इस पे जॉइंट कर सकते हैं। ये जो जोड़ वाला भाग है इसको पीछे की साइड रखना है। अब इसमें 2 इंच का बेल्ट निकाल लेना है। तो जो कपड़ा बचा हुआ है उसमें से 2 इंच का बेल्ट निकाल लेंगे। तो इस तरीके से डबल फोल्ड करना है इसको। तो इस तरीके से हमने बेल्ट की भी कटिंग कर ली है। तो देखिए स्कर्ट प्लाजो की कटिंग करना कितना आसान है। तो देखिए और सीखिए। अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कटिंग करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे दोनों साइड में नीचे जो कटिंग वाले कम कपड़ा है उसको ज्वाइंट कर लेना है। ज्वाइंट करने के बाद दोनों भाग को के आसन को ज्वाइंट कर लेना है। सिलाई करते समय दोनों साइड को के आसन को ज्वाइंट करने के बाद इसमें सबसे पहले आसन ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे बेल्ट लगाना है। बेल्ट लगाने के बाद यहाँ पे दोनों साइड का के आसन को मिलाना है और इस साइड को पूरा सिलाई कर देना है। इसको सिलाई करने के बाद जो घेरा है, ये प्लाजो का जो नीचे का घेरा है, इसको अंदर के साइड उल्टे के साइड फोल्ड करते हुए सिलाई कर देना है। सिंपल प्लाजो तैयार। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कटिंग करते समय। तो गाइस वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।